अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं समा के मेहमान। जनाब आज इस खूबसूरत से घर में जहाँ बहुत सारी हिस्ट्री है, जहाँ बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आपको नज़र आएंगी जिसमें जाने पहचाने चेहरे भी नज़र आ रहे हैं, और कुछ ज़्यादा डिटेल्स तो मैं इतनी नहीं जानती इन तस्वीरों के बारे में, लेकिन वो डिटेल्स जब हमारी मेहमान हमारे साथ होंगी तो बेचारे देखेंगे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना, हमारे फादर, हम सब के बाप, जिन्होंने ये मुल्क हमें दिया, हमें ये पहचान दी जनाब, उनकी तस्वीर भी है। ये पूरी हिस्ट्री हम जानेंगे, लेकिन तब जब हमारी वंडर वुमन हमारे साथ होगी, और वंडर वुमन पूरे पाकिस्तान में मुझे लगता है, और ख़ास तौर पर शोबिज़ इंडस्ट्री में जब हम झांकते हैं तो वो एक ही हैं। वो कौन है जनाब, आइए मैं आपको बताती हूँ। Assalamualaikum guys, this is Fatma Zahra Malik from FZM Boutique Fitness. मैं नादिया हुसैन की ट्रेनर हूँ। नादिया जब मेरे पास आई थी, she already had a fantastic body. What we worked on together is developing strength. हम उनके साथ पिलाटेस करते हैं, as you can see, we have all these Pilates machines. नादिया बहुत फिट है, उन्होंने मेरे साथ लास्ट ईयर हज भी किया था एंड शी वाज अमेजिंग एट इट। शी इज अ सुपर मॉडल एंड येट शी फाइंड्स टाइम टू कम टू दिस जिम एंड टू ट्रेन विद मी, सो इफ शी कैन डू इट सो कैन यू। शी इज अ वंडर वुमन एंड सो आर यू। Yes, I am. This is Fatma. और यहाँ पे ये एक FZM जो है चलाती हैं फिटनेस बुटीक, एंड मैं जो हूँ वो कुछ अरसे से इनके पास आ रही हूँ, एंड आई एम रियली लविंग इट बिकॉज दे रियली गिव पर्सनल अटेंशन और बहुत मज़ा आता है, एंड तो ज़रूर आप लोग भी देखेंगे। have to wrap up soon क्योंकि सादिया आई हुई है मेरे घर और पूरा दिन मैं उनके साथ गुजारूंगी। इस वक्त मेरी सांस फूली हुई है, पूरा घंटा एक्सरसाइज किया है, सो दैट्स वे टू गो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरम जमाल है और आज हम शूट कर रहे हैं नादिया हुसैन के साथ। काम करने में नादिया के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, आज आप देखेंगे हमारा शूट नादिया के साथ। Yes, we did the gym in the morning. I've come for a quick shoot, and अब जो है वो मैं बच्चों को जाके स्कूल से पिक करके I'll rush home and I'll meet you with Sadia. चेंज करके हसीना बन के और मुझे इंतहाई कॉन्शियस करके मेरे सामने बैठी हैं। मैंने कलर पिंक पहने और वो खुद इतनी पिंक है कि दिल करते कि उन्हें देखते ही रहे। अगेन नादिया हुसैन, वालेकुम सलाम, क्या हाल है सादिया? बिल्कुल ठीक ठाक नादिया, क्योंकि जिम कर लिया, सब कुछ हो गया, घर आई, फ्रेश भी हो गई, चेंज भी कर लिया, बच्चों को पिक भी कर लिया, खाना भी खिला दिया। मतलब ये अगर सोचे तो हजम नहीं हो पाती सारी चीजें, कैसे बस करना पड़ता है यार। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, आई हैव टू ऑल्सो गो टू द जिम, देन बच्चे जो हैं वो, मेरी बेटी जो है जो छोटी वाली है वो थोड़ा सा काफी जो है ना वो करती है कि नहीं हाँ यू हैव टू पिक मी अप, और अब जो उसके देखा देखी अब बेटा भी बोलता है, तो पहले तो मेरी अम्मी पिक करती थी तो मेरे लिए बहुत आसान था, तो अब उसके देखा देखी वो भी अब बोलने शुरू हो गया है कि मामा यू हैव टू पिक मी अप, नो मामा यू कम, मामा यू कम। अब मेरा फिर मैं केजीएस और लिंक्स में इधर उधर हो रही होती है बिल्कुल, मतलब कि उसको पिक करो उसके बाद फिर उसके लिए भागो, फिर बड़ी वाली है वो उसका 45 मिनट्स का होता है, तो क्योंकि वो देर से
से फारिग होती है. फिर स्कूल में मैं वक्त गुजारती हूँ, यू नो इन नो के ये खेल रहे होते हैं छोटे, फिर मैं इंतजार करती हूँ. उसके बाद फिर मैं जल्दी भागी पिक सारे बच्चों को. जब फाइनली स्कूल ऑफ हो गया फिर मैं सलोन गई, वहां पे एक अपॉइंटमेंट थी, अपॉइंटमेंट करके फिर मैं घर आई हूँ. और घर आने के बाद देखिए कितनी फ्रेश है नादिया खुद. क्या है एक्चुअली, आज तक हमने सिर्फ मॉर्निंग शोज में या शोज में नादिया हुसैन को देखा है, एक वर्कोहॉलिक. नादिया की अपनी जिंदगी में क्या प्रायोरिटीज थी, वो क्या चाहती थी अपनी लाइफ से और क्या हो गया. कहते हैं ना कुछ फैसले ऊपर वाला करते, कुछ फैसले हम करते. हाँ. तो आपकी जिंदगी में कभी ऐसा था कि कुछ फैसले आपने क्यों और बाद में आप लोग बैक करते हैं, आप कहते हैं कि वो नहीं हुआ ये हुआ लेकिन ये उससे बहुत बेहतर हो गया. हाँ बिल्कुल. वेल ऑफ कोर्स यू नो जिंदगी की अपनी होती है राह जो जिसके ऊपर वो आपको लेके चलती है. बट आई वुड से आई हैव ऑलवेज बीन, मुझे हमेशा से बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स का शौक था एंड आई वाज वेरी मच इनटू, और मैं हमेशा से बहुत गो गेटर टाइप एक हमेशा से रही हूँ इवन फ्रॉम. अच्छा ये थोड़ा बहुत चेंज मेरे में आया जब मैंने अपना अराउंड ए लेवल्स, ठीक है ना. okay. मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बचपन से ऐसी थी. बचपन से एक्चुअली मैं काफी यू नो धीमी सी और क्वाइट, हाँ शाय, वेरी रिजर्व एंड कभी भी जो था वो उस किस्म का एक वो चीज नहीं थी यू नो कि बस कुछ करना है. मतलब स्टडीज में मैं करती थी, पढ़ाइयाँ करती थी लेकिन ये नहीं है कि जी कोई यू नो ए ग्रेड स्टूडेंट और समथिंग. आई वॉज लाइक अ वेरी एवरेज स्टूडेंट लेकिन मेहनत मैं ज़रूर करती थी. एंड बट आई थिंक आफ्टर और ड्यूरिंग माई ए लेवल्स आई स्टार्टेड यू नो मुझे एक पढ़ाई का भी हो गया, मुझे एक चैलेंज मैंने अपने सर पे खुद से ले लिया कि जी ओ लेवल्स के दौरान मैंने एक्स्ट्रा एक सब्जेक्ट था, नहीं ओ लेवल्स के दौरान नहीं, ए लेवल्स के दौरान ही एक्स्ट्रा एक सब्जेक्ट मैंने मैथ्स ले लिया. ठीक है. अब मैथ्स के साथ क्योंकि मैंने ओ लेवल एट मैथ्स नहीं किया हुआ था तो मुझे ओ लेवल एट मैथ्स करना जरूरी था. तो ए लेवल फर्स्ट ईयर में पता नहीं क्या ये मुझे हुआ कि नहीं मुझे मैथ्स करना है. तो अब मैंने पहले साल में ओ लेवल एट मैथ्स किया, उसके बाद सेकेंड ईयर में मैंने फिर ए लेवल मैथ्स किया. और यू नो आई मीन इट उस वक्त से आई जस्ट वॉन्टेड टू आई मीन दैट गो गेटर काइंड ऑफ एन एटीट्यूड यू नो कि बस मुझे करना है. सो बस एंड देन इट जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड इट जस्ट डिडंट स्टॉप. डेंटिस्ट्री भी चलती रही और फिर डेंटिस्ट्री कॉलेज में ना मुझे काफी चैलेंजेस फेस करने थे क्योंकि जो एडमिन थी ना वो बहुत स्ट्रिक्ट थी. और उन लोगों को जब पता लगा ना कि आई एम फ्रॉम दिस इंडस्ट्री तो वो लोग ना एवी मुझे बुला लेते थे ऑफिस कि आप हम देख रहे हैं कि आप क्या कर रही हैं. मैंने कहा मैं क्या कर रही हूँ बिकॉज आई वॉज ऑलवेज वेरी फ्रेंडली विद द बॉयज इन माई फैमिली. आई ओनली हैव वन ब्रदर. मेरे भाई की भी दोस्तों के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी. आई मीन आई यूज्ड टू टॉक वेरी नॉर्मली विद बॉयज. सो कभी भी वो ये वाला नहीं था ओह माय गॉड इज अ बॉय तो अलग रहे. हाँ नहीं कि जी मैं तो नहीं इससे बात कर सकती. मैं तो आई वाज वेरी ओपन एंड आई हैड अ वेरी neutral relationship with the boys, you know, those college people didn't understand that. Yeah. They didn't believe it. They used to say कि ये अगर बात भी कर रही है ना तो ये कुछ है. And I used to be like, oh my God, you know, मैं ये कहाँ आ गई. यहाँ पे बात रुकूँ कि ये सोच अभी नहीं है हमारे में. अभी भी ये सोच पाई जाती है. ये इतने सालों पहले जब लोगों की सोच थी जहाँ हम लोग कहते थे कि मेरा ख्याल बड़ा लिबरल उस वक्त दौर हुआ करता था. बड़े लोग बड़े बूढ़े आंख देख के समझ आया करते थे कि बच्ची की नजर से समझ आते हैं ना लोग उठने बैठने से बदलते हैं. तो ये मेरा ख्याल वहां से जो हमारा माइंड सेट चला आ रहा है वो चेंज नहीं हो पाता. अभी भी बहुत सारी जगह हमें ये फेस करना पड़ता है. The challenge for me then was that, you know, I had to prove that no matter what, you know, क्या सोचते हो मैं करके दिखाती हूँ. तो वो मेरे लिए डबल चैलेंज बन गया बिकॉज एक तो ये कि यू नो मेरा माई
so-called, my frankness with the boys around, and it was a co-ed school. इसमें कहीं पे भी segregation नहीं थी. हाँ, हमारा co-ed school था. तो भाई अगर co-ed school है, तो फिर आपने आपने normal relationship तो रखनी है आपके एट के लोगों के साथ. और एक टेंट बना के थोड़ी अंदर बैठ के पढ़ेंगे. So I used to feel कि अच्छा चलो ठीक है, अब जो है वो मैं जरा दिखाती हूँ इन लोगों को कि जी अब जो है आप दोनों चीजों को maintain करके balance करके आप चल सकते हैं. तो from the first year onwards, mashallah, I started getting distinctions because मैंने कहा अब तो मैं इनको दिखाऊंगी कि जी क्या है. और जब मैंने जब मेरा focus पढ़ाई भी था, and when they started realizing कि नहीं ये इसका कोई इस किस्म का अजीब किस्म की weird thinking नहीं है, then they backed off, you know. Okay. But मुझे शुरू में काफी you know मेरे ऊपर एक हर दफा जो था ना वो office में बुला लेते थे. जनाब द ग्रेट नादिया हुसैन हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगु चलती रहेगी, बातें होती रहेंगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद इनके साथ हमने जाना है, हमने क्या जाना है, इन्होंने पहुंचना है अपनी क्लास में, जल्द से जल्द वहां जाके इन्होंने अपनी क्लास देनी है. तो जनाब इनके साथ चलते हैं सफर पे, और हमेशा की तरह ये वो आपको मैं बताती हूँ, उर्दू वाला नहीं, इंग्लिश वाला नहीं, इंग्लिश वाला सफर नहीं होता, ये उर्दू वाला सफर होता है. इसमें मेरे साथ उनसे बात होती रहेंगी, और कुछ मजे मजे की पिक्चर्स दिखाते जो इनके घर में लगी, उनकी हिस्ट्रीज भी जाननी है कि उनके पीछे की क्या हिस्ट्री है. So if you feel that the beauty world glitters are sticking, that means it's very good. बैक नाज़रीन, हम लोग अब गाड़ी में यकीनन एक सफर पे तो गाड़ी में ही होंगे. अब हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ क्या है ये ब्यूटी एक्सपो, क्या ये एक इवेंट है ब्यूटी एक्सपो के नाम से, जो कि एक ब्रांड है और एक मैखाले चैनल का एक जॉइंट एफर्ट है. तो इसके अंदर बेसिकली ब्यूटी के प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट करना चाह रहे हैं, और तो उसके अंदर दे वांटेड मी टू बी अ सो कॉल्ड ब्रांड एम्बेसडर. तो उसके अंदर फिर मैंने डिसाइड किया कि आई शुड कि दे वांटेड मी टू हैव अ स्टॉल. तो मेरा एक सलोन का स्टॉल भी है उसके अंदर, तो जिसके अंदर हम हेयर एंड मेकअप को जो है वो कर रहे हैं स्टॉल के अंदर. एंड उसके बाद दे ऑल्सो वॉन्टेड के मैं जो हूँ वो एक मास्टर क्लास करूँ मेकअप की. तो वो जो है वो बेसिकली अब जो है वो हम उस पर जा रहे हैं कि जिसके अंदर मास्टर क्लास जो हो रही है मेकअप की, उसके अंदर इट्स एक्चुअली अ फ्री मास्टर क्लास यू नो. तो वो जो भी रजिस्ट्रेशन होंगी जो खवातीन रजिस्टर करेंगी वो लोग आएंगी और उनके लिए जो है वो हम क्लास फ्री क्लास. अच्छा, लोग बड़ा जानना चाहते हैं कि नादिया ने मेकअप खुद बेसिकली कहाँ कहाँ से सीखा. यार बिल्कुल ऑनेस्टली नहीं कहीं से सीखा, जिस तरह तुम्हारा है कि खुद कर करके जो है वो आप इतना अपने में करवा करवा के आपको इतना सीख लेते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और थोड़ा सा आर्टिस्टिक टच जो है वो हमेशा मेरे में था, बिकॉज इवन इन माय स्कूलिंग इयर्स यू नो मैं आर्ट में बहुत अच्छी थी, ड्राइंग में बहुत अच्छी थी. तो जब मैंने कॉलेज के अंदर भी ना हम लोग को बहुत सी ड्राइंग्स करनी होती थी, डायग्राम्स और यू नो जब चाहे वो जो भी अगर दांतों से भी रिलेटेड हो, तो मैं बहुत माइन्यूट किस्म की यू नो ड्राइंग्स करती थी. तो आर्टिस्टिक हैंड तो है, तो उसके अंदर ये है कि दिस हेल्प्स ऑफ कोर्स टू हैव एन आर्टिस्टिक हैंड, बिकॉज अगर आपको आईलाइनर लगाना है, आपको लिप लाइन बनानी है, आपको एक सिमेट्री देखनी है किसी चीज की, कि जाहिर है नेचुरली यू नो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एसिमेट्री होती है, कोई आईब्रो एक ऊंचा है कोई नीचा है. मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम हुई है ऊंची नीचे. हाँ, हमेशा हमेशा होता है ये यू नो. और फिर लिप शेप भी जो है वो आपको बैलेंस करनी होती है. तो ये इन सब चीजों की अगर आपके अंदर नजर है ना, तो आप जो है वो एक आंख अगर छोटी एक बड़ी है तो आप इन दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है. यू सी सो अब अगर आप में वो पहचान है
तो फिर आप जो है वो लिटरली यू कैन बिकम एन आर्टिस्ट, यू नो, अ मेकअप आर्टिस्ट, बिकॉज इट इज यू आर एन आर्टिस्ट एंड बट योर मीडियम इज नॉट पेंट और इट्स नॉट कैनवस और इट्स नॉट पेंसिल और इट्स नॉट यू नो क्रेयॉन्स और व्हाटएवर, योर मीडियम एज एन आर्टिस्ट इज मेकअप. वेरी नाइस. अच्छा मैं अब ये एक थोड़ा सा ताकि जो मेरी खवातीन भी इस वक्त मुझे देख रही होंगी, तो और जब नादिर हुसैन का नाम आता है तो लोगों का एक जो ब्यूटी से रिलेटेड एक चीज़ है ना, अंदर से एक आँख खुल जाती है. तो आजकल की जो आपने भी कहा ना हल्के, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, इसके लिए कौन सी ज़्यादा ट्रीटमेंट्स होती है जिनके ये डार्क सर्कल्स हो जाते हैं? और बाकी मेरी अपनी भाभी के साथ प्रॉब्लम, मुझे रात दिन बाकी ये कह रहे थे, सॉरी भाभी नींद पूरी नहीं हुई, तुम्हारी तबीयत ठीक है? सीरियसली ये जुमला ऑटोमेटिकली मुँह से निकल आता है. तो जब वो लगता है शक्ल पे तो फिर आपको वही ऑटोमेटिकली वही सवाल पूछेंगे. इनके लिए क्या ट्रीटमेंट? इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट्स इज टू डू अ फिलर. ओके. और अगर बहुत ज्यादा सैगिंग है अंडर आई के ऊपर तो फिर जो है वो आप थ्रेड के साथ भी कर सकते हैं. लेकिन अगर यू नो जो एक कई दफा ऐसा होता है कि डार्कनेस खत्म होती है, जो डार्कनेस एक होती है हल्कों के अपने जो ग्रेश सफाई होता है वो भी खत्म हो सकता है. वो भी इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स होती हैं कि उसके साथ यू नो उसको रिपीटेडली ट्रीटमेंट्स को जब हम करते हैं तो वो भी जो है वो खत्म हो सकता है. ग्रेट. यस. और ये जो लोगों को लगता है ना कि मेरे जो लटक के आ गए, तो उसके लिए थ्रेड लिफ्ट. Thread lift is one of the best non-surgical. It is अच्छा. अब treatments जो हैं वो non-invasive होती हैं, meaning कि आप body को invade नहीं कर रहे हैं, आप injection नहीं लगा रहे हैं, आप ऊपर ऊपर से treatments कर रहे हैं, ठीक है? उसके अंदर non-invasive के अंदर जो है वो facials आ जाते हैं, lasers आ जाती हैं, you know इस किस्म की treatments आ जाती हैं, light therapies आ जाती हैं. Invasive treatments are the treatments जो injectables होते हैं, for example, ठीक है ना? And then उससे बढ़कर जो है are the surgical, which are also of course invasive, ठीक है? मैं जो हूँ वो surgical treatments नहीं करती हूँ, मैं invasive non-surgical treatments करती हूँ. So उसके अंदर जो है वो अब अगर हमें अगर किसी को lifting चाहिए है, so thread lift is the best, you know, one of the best non हाँ बिल्कुल मैं करती हूँ, one of the best non-surgical treatments. Invasive तो है, जरूर invasive है, लेकिन surgical नहीं है. और कितना अर्सा उसका रहता है time? उसका जो है वो approximately साल डेढ़ साल तक जो है, या डेढ़ साल तक तो आराम से चल जाता है. If you are doing it with, you know, like the best threads, for example. अगर आप you know threads सस्ते वाले इस्तेमाल करते हैं जिनका result जो है वो भी थोड़ा सा कम होता है, तो वो इतना लंबा last नहीं करेगा, you know, 6-8 महीने तक last करेगा. अगर आप उससे जो बेहतर threads हैं, अगर आप वो इस्तेमाल करती हैं, तो उससे जो है वो definitely result will be a lot longer last. Great. नादिर की फंसी खाने के मामले में, ये जो मिला खा लिया? नहीं नहीं, I'm not fussy at all. जो मिला खा लिया, literally it's like और बाद में बर्न कर लिया. हाँ, लेकिन फिर आई एम नॉट एन ओवर ईटर. मतलब एक तो ये कि मैं बहुत स्लो स्लो खाना खाती हूँ, आई ईट वेरी स्लोली. एंड देन आल्सो के हमारी मम्मी कहती थी इतना आहिस्ता खाती हूँ, भारी कर लेती हूँ खाना खुद पे. हाँ हाँ, लेकिन वो ये कि वो फिर यू नो जो भी है मैं खा लेती हूँ, लेकिन ये कि फिर मुझे देन आई डोंट एंड अप ओवर ईटिंग, बिकॉज वो खाते खाते ही पेट भर जाता है. वही ना, तो स्लो करके खाओ, खाना भारी कर लो खुद के ऊपर. तो किस तरह के खाने, मतलब कुछ मिर्ची वाले तड़के वाले खाने कुछ पसंद है? बहुत, आई एम अ वेरी चटपटा पर्सन, आई लव ऑल काइंड्स ऑफ स्पाइसी फूड्स एंड अचार एंड यू नो मतलब छोले एंड ऑल दैट आई जस्ट एब्सोल्युटली लव. बट देन ऑफ कोर्स देयर आर ऑल अदर काइंड्स ऑफ फूड, आई मीन चाइनीज एंड जापानीज एंड थाई एंड यू नो व्हाटएवर, इवन कॉन्टिनेंटल किसी चीज के ऊपर नहीं. बट द ओनली थिंग इज के यू नो व्हेनेवर यू आर ईटिंग यू शुड नो कि अच्छा हाँ ठीक है, आपको जो है वो अगर आप खा भी रहे हैं तो फिर ये कि आप जो है वो अपने अगले इतना चीट मील में आप एटलीस्ट आप थोड़ा सा गैप दे दे. एंड इन द मीन टाइम यू नो यू नीड टू बी बर्निंग इट ऑफ एज वेल. अगर आपको वेट लूज करना है then you need to go on a low calorie diet, you know, क्योंकि अगर आप low calorie diet पे आप नहीं अपना करेंगे, या फिर ये है कि जिसना आप आजकल की जो एक fat diet है, which is a very high calorie diet, which is the high fat diet, that is a very high calorie diet, but it is
कम्प्लीटली यू नो जो आप मतलब कि वो कीटोजेनिक डाइट बोलते हैं, वो कीटोजेनिक डाइट में जो है वो आप इतना हाई कैलोरी खाना खा रहे हैं लेकिन आप जो है वो उसको आप वेट लूज करें, लेकिन उसका इसके पीछे जो सेंस है वो ये है कि जी आप क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, वो आपके जो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो तो आप इनटेक नहीं ले रहे हैं उसकी, तो जो इवेंचुअली जो आपका बर्न होगा वो आपका फैट बर्न होगा, लेकिन आपको जो फैट आप खा रहे हैं वो आप डेंजरस फैट नहीं खा सकते, आपको बहुत केयरफुल होना है कि आप गुड फैट्स खाएं, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बैड फैट्स एंड गुड फैट्स, तो आपको गुड फैट्स खाने हैं और वो आपकी हेल्थ के लिए भी यू नो अच्छे होंगे, वो आपके ब्रेन के लिए भी अच्छे हैं, वो आपके जॉइंट्स के लिए भी अच्छे हैं वो, एंड इन द मीन टाइम यू शुड बी एक्सरसाइज। हम इनके काम की जगह पे पहुंच गए, मैं नहीं चाहती कि इनकी क्लास लेट हो, तो चलो चलो आ जाइए। वेरी ऑनर्ड कि आप सब लोग जो हैं वो उन्होंने इतना इंटरेस्ट लिया एंड दैट यू आर हियर एंड आई रियली होप कि आई कैन डू जस्टिस एज वेल। सो इफ यू फील दैट द ब्यूटी वर्ल्ड ग्लिटर्स आर स्टिकिंग दैट मीन्स इट्स वेरी गुड। आप हमारे साथ ही है ना, इंजॉय करें इंशाल्लाह, जब तक ये चीजें लाइन अप करती हैं फिर हम चलते हैं, आइए गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं कराची। मेरा शहर, बच्चे, जिंदगी। नाज़रीन, आज जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि ये इवेंट खत्म हुआ, मेकअप क्लास खत्म हुई और इस वक्त हम निकले जहाँ इन्होंने एक और इवेंट पे जाना, और ये है जिंदगी नादिया हुसैन की, भागती दौड़ती जारी समोसा हाथ में खड़ के खा रही है। अभी लोग पूछते हैं कौन सी डाइट करती हैं आप, बताइए वाली डाइट करते हैं पूरे दिन का आपकी। ये वाली जो डाइट है ये बहुत कम खाने को मिलती है। एनर्जी तो खैर लगती है, तो फिर जब इस किस्म की चीजें जब सामने आ जाती है तो दिल भी जाता है। मैं इस वक्त अब देख रही थी, मैं क्या बहुत सारे लोग जो टीवी पे देख रहे थे, माशाल्लाह 200 के करीब आपके सामने खवातीन बैठी और उनके पास बहुत सारे सवाल होते हैं, मुस्तकिल बोलना भी, हाथ का चलना भी, कॉन्सेंट्रेशन अपने मेकअप की तरफ रखना, उनके सवालों की तरफ रखना, अपने जवाब को देना, तो इतनी चीजों को दिमाग में भी मैनेज करना बड़ी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आई मीन इट टेक्स अ लॉट ऑफ मल्टीटास्किंग, यू नो कि आप सवाल का भी जवाब दे रहे हो, आप साथ में जो आप कर रहे हैं आप उस पे भी फोकस लूज नहीं कर रहे हैं। सो या मीन के इस वजह से मैंने तुम्हें भी बुलाया, मैंने कहा जरा तुम थोड़ा सा ऑक्यूपाइड रखो ताकि मैं जल्दी मेकअप कर दूं। इट्स लवली, हमने बल्कि आपने भी देखा कि कितना अच्छा ग्लिटर का यूज किया और कितना मजा आया, क्योंकि आज के ग्लिटर इन है और इतने मुख्तलिफ कलर्स में इन है। ये कभी एक दौर था जब हमारी अम्मियों की और फूफियों का था तब हमने ग्लिटर वाले और फ्रोजी वाले देखे थे, लेकिन अब चीजें वही वाली बात है वापस आने लगती है। तो अब मेकअप भी कपड़े भी उस तरह की चीजें आ रही है, टैक्सेस जो बढ़े, तो आपके जब मेकअप प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस आते हैं इतना सेल्स टैक्स हमारे ऊपर, ये टैक्स हमारे ऊपर, जब मैंने सलोन शुरू किया तो मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि ये इतना कुछ जो है वो होता है, एंड इट इज जस्ट अनबिलीवेबल, बिकॉज आप जो कुछ कमाने की कोशिश भी करते हैं ना वो सारा को, अब पानी का टैक्स हम दे रहे हैं लेकिन पानी आ नहीं रहा, पानी नहीं आ रहा, सो उस चीज पे तो इतना गुस्सा आता है कि मतलब आप क्या प्रूव कर रहे हैं। सही बात, पानी आप किस जुर्रत से आप पानी का टैक्स ले सकते हैं और आप पानी हमें लाइन तो दे भी नहीं रहे। सही, बस वेटेड थिंग करती हैं चीजें।
बिल्कुल बिल्कुल करती हैं, बिकॉज हर चीज पे जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस का. यू नो, जहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत यहाँ से कमाई कर रहे हैं, अगर बिजली का प्रॉब्लम ना होता, पानी का प्रॉब्लम ना होता, तो हम वो तो पैसे सेव कर रहे होते हैं ना. लेकिन अब जहाँ पे पानी का प्रॉब्लम तो है ही है, जब बिजली का प्रॉब्लम नहीं था, अब वो एक्स्ट्रा पैसे जो है वो डीजल में जा रही है. आई मीन, और डीजल आसमान को भी छूने वाला है. इट्स नेवर एंडिंग. हाँ, पेट्रोल बढ़ता है तो डीजल बढ़ता है, अभी फिर यू नो पेट्रोल की प्राइसेस. इट्स लाइक इट्स नेवर एंडिंग एंड यू जस्ट डोंट नो कि हम जब फील करते हैं डेफिनेटली, तो फिर गरीब आवाम तो बिल्कुल ही खत्म है कहीं. अच्छा जनाब, आप जल्दी से करते हैं रैपिड फायर. रैपिड फायर में हम ये करते हैं कि मैं एक वर्ड लूंगी, जैसे मैंने कहा सड़क, जो पहला वर्ड आप दिमाग में जो चीज आए वो बोल दीजिएगा. ठीक है, तो उस कराची. मेरा शहर. ग्रेट. बच्चे. जिंदगी. वाओ. दीपक परवानी. फ्रेंड. प्रियालताप. डायनामिक. वाओ. ओके, अब आते हैं सड़कें. टूटी नहीं. पानी. नहीं है. ओके. पानी नहीं है. लाइट. बिजली. बिजली. क्या करें, एक सोच. हाँ. सोच बनकर रह गई है. पाकिस्तान. पाकिस्तान हमारी आइडेंटिटी. इमरान खान. इमरान खान. तब्दीली नहीं आएगी. शादियां. हाँ, शादियां perhaps. शादी को किस तरह. मैंने कहा इमरान खान. शादियां. शादी. हाँ, शादियां. शादियां इज बिजनेस. वाओ. शादी. मैं अगर अपनी तरफ से सोचूं, शादी इज बिजनेस. ऑफ कोर्स, जितना ही शादी होंगी उतनी ब्राइड्स आएंगी. ब्राइड्स आएंगी तो पैसा आएगा उसके साथ. ऑफ कोर्स आपके पास चीजें आती है. अच्छा जी, अब हम बात करते हैं बिलावल भुट्टो. बिलावल भुट्टो क्या दिमाग में आता है? बिलावल भुट्टो आई वुड से एंटरप्राइजिंग. यू नो, एक थोड़ी सी झलक उसमें, एक एक वो पैशन थोड़ा सा फील होता है. What Benazir had, you know. So Benazir Bhutto. Benazir Bhutto, iconic. Wow. ये सही बात है. मैं भी कहती हूँ कि बीबी जैसा कोई ना हुआ ना अब होगा, और मेरा ख्याल अब बन नहीं सकता. जैसे मेरा ख्याल है ये बड़ी कमाल किस्म का इन्होंने ठक ठक रैपिड फायर का मतलब होता है कि आप ठक फौरन जवाब दें. आप एक शो चला करता जिसमें आप बड़े मज़े का इंटायर था उसका, कि जिसमें फैशन के हवाले से भी चीज़ें बताती थी, मेकअप के हवाले से भी चीज़ें बताती थी. आई थिंक मोहसिन उसको डायरेक्ट करता था. हम पुराना शो था, मुझे याद पड़ रहा है ये कुछ, मैंने ऐसा देखा. बड़ा मज़े का था. मैं खुद बड़ी खूबसूरत से तैयार हूँ. अच्छा. मैं वो शो इसलिए देख रही थी कि आपको मुझे देखता. अच्छा. तब मैं बिल्कुल नई नई इस इंडस्ट्री में आई थी. हाँ. तो मैं, मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन हमेशा बड़ा एडमायर करती थी कि अच्छा मेरा भी माथा चौड़ा है. हाँ, लोग मुझे बड़े कॉन्शियस करते थे तुम्हारे, लेकिन हमेशा नबी मुझे बड़ा वो कहा कि नहीं, ये माथा चौड़ा ही तो तुम्हारी सबसे बड़ी ब्यूटी है. हाँ. लोग कभी टोकते नहीं चौड़ा है हमारे लिए जो नॉर्मल आवाम है कभी. नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं. बल्कि कई लोग तो बोलते हैं यू नो कि वही जिस तरह एक है भी, आई थिंक यू नो कि जी चौड़ा माथा जो है वो खूबसूरती की, बल्कि वो तो कहते हैं कि निशानी है, या फिर ये कि इंटेलिजेंस की निशानी है. सो नहीं, इस तरह तो कोई नहीं. लेकिन लोग जरूर सवाल पूछते हैं कि अगर आपका माथा चौड़ा है तो फिर आप इसको कैसे मैनेज करती हैं, ये डील करती हैं, और वट एवर. सो ऐसे कि ना कई दफ़ा हेयर स्टाइल्स मैं चेंज करती हूँ, या फिर ये कि अब जैसे अभी तो खैर मेरा तो अब स्टैंडर्ड हेयर स्टाइल हो गया कि जी बस जोड़ा बांध लो, बिकॉज एक तो टाइम नहीं होता है बाल बनाने का, और दूसरा ये कि गर्मी भी इतनी है, मुझे उलझन होती है यू नो, अगर फिर मैं बाल खुले रखूँ या. हाँ बिल्कुल, काम करने के दौरान भी एक्चुअली आई कैन नॉट. मेरा तो स्टैंडर्ड यही है अभी, क्योंकि मैं मास्टर क्लास कर रही थी मेकअप के लिए. दैट इज व्हाई आल्सो आई मेड श्योर दैट माय हेयर वाज अप, बिकॉज आई हेट इट जब मैं देखती हूँ अगर टेलीविजन पे भी यू नो कॉम्पिटिशन हो रहे होते हैं और बाल सामने आए, मुझे तो इतना गुस्सा आता है. मैं कहती हूँ जी आप अपना फैशन नहीं कर रही है, आप किसी आप काम कर रही है, तो आप काम के डिकोरम में आपका एक एक होना चाहिए प्रोफेशनल अटायर. हाँ, वो दिखना भी चाहिए आप. बिल्कुल. अच्छा नादिया को अगर मैं कहूँ कि नादिया बच्चे या काम.
बड़ा मुश्किल सवाल है बिकॉज बच्चों की डेफिनेटली अपनी एक जगह है, लेकिन काम भी जो है वो मेरे लिए इज इम्पोर्टेंट. यू नो फॉर मी वर्क इज इम्पोर्टेंट. आई मीन आप अगर किसी आदमी को भी पूछें कि जी उसके लिए काम ज्यादा जरूरी है कि उसके लिए बच्चे ज्यादा जरूरी है, तो वो भी जाहिर है फॉर अ पेरेंट द चाइल्ड इज इम्पोर्टेंट, बट फॉर वेर इट व्हेन इट कम्स टू वर्क, वर्क इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो मैं इसमें बड़ा मुश्किलों से जो है ना वो डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ. बाकी बिल्कुल सही कहा कि पैसे आप जब कमाते हैं तो आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत, अच्छी स्कूलिंग, अच्छी फैसिलिटीज दे सकते हैं. तो मेरा ख्याल है कि जब हम वर्किंग लेडीज की बात करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत अजीब सी बातें कर जाते हैं वर्किंग लेडीज के लिए, अपने बच्चों को टाइम नहीं देते. आप अपने बच्चों को कितना टाइम देते हैं? फिर जब हम आपके पेज फॉलो करते हैं, आपकी तस्वीरें देखते हैं, तो कभी आप बच्चों के स्कूल में बैठ के फोन दे रही होती हैं, कभी आप बच्चों के समर कैंप्स में नजर आ रही होती हैं. तो ये सारी चीजें देखे मैंने, देखी तो मैं बता रही हूँ. तो ये नहीं, मैं तो अभी रिसेंटली अपने बच्चों के साथ मैं उनको एक चढ़ना आईलैंड है जो कि आपको यू नो मतलब मुबारक विलेज से आगे जो है वो एक घंटे की जो है ना वो बोट की सफर पे जो है वो जाके फिर आप उस आइलैंड के अंदर आप जो है वो डाइविंग भी करते हैं, आप यू नो स्नॉर्कलिंग वगैरह कर सकते हैं. अभी रिसेंटली जो है वो मैं अपने बच्चों के साथ गई थी. फिर उसके बाद अगेन आई थिंक 2 weeks बैक आई वेंट विद माय किड्स टू लकी वन मॉल जहाँ पे वंडरलैंड है. वहाँ पे जो है वो बच्चों की एक्टिविटीज हैं. सो फिर बच्चों को घर पे पढ़ाना उनका हाँ मतलब अभी एग्जाम्स आने वाले हैं तो यू नो लाइक एग्जाम टाइम में नहीं ट्यूशन. अब बड़े बच्चे ने जाना शुरू किया लेकिन छोटे बच्चे ट्यूशन नहीं जाते, वो तुम खुद करती हो. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. ओह माय गॉड, ये कौन खातून है, इनसे मुझे बहुत कुछ सीखना. सो डेफिनेटली आई मीन जहाँ पे बच्चों का वक्त है वहाँ पे बच्चों का ही वक्त है, जहाँ पे काम है वहाँ पे काम है. यू नो सो देर आर टाइम्स व्हेन यू नो लाइक बर्थडेज होती हैं बच्चों की जो है वो पेरेंट टीचर मीटिंग. आज तो बल्कि पेरेंट टीचर मीटिंग भी थी. तो मैं अपना मतलब जिम के बाद मैं स्कूल गई, स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करके. वो तो खैर छोटी सी पेरेंट टीचर मीटिंग थी लेकिन ऑफकोर्स थिंग्स आर इम्पोर्टेंट यू नो. तो हम इवेंट तो जनाब इवेंट पे पहुंच गए. अच्छा जी, तो जहाँ हम आए हैं वहाँ कुछ नादिया के फ्रेंड्स भी मौजूद हैं. तो हमारे साथ फैजान मौजूद. फैजान, अगर मैं कहूँ नादिया को थोड़ा सा डिस्क्राइब करें वन वर्ड तो क्या होना चाहिए? मैंने जिंदगी भर नादिया के लिए जितनी भी अनाउंसमेंट्स की हैं उनमें मैंने स्टैचुएस का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल किया है. स्टैचुएस बिकॉज शी लुक्स मोर देन अ पर्सन, शी लुक्स लाइक अ मैनिक्विन, यू नो, टॉल, द राइट एल्टीट्यूड. तो नादिया को सबसे पहले लोग एलिगेंट, खूबसूरत इन टर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं. मुझे तो वंडर वुमन लगती है, तो सारा कुछ करती है एक दिन. सारा कुछ करती है, मियाँ भी खुश है, बच्चे भी खुश हैं, ऑडियंसेस भी खुश हैं. ठीक है, रोज सुबह को कहीं पहुंची भी होती हैं, शाम को कहीं और पहुंची भी होती हैं. सो शी इज समबडी हु डज 5 टाइम्स मोर देन वी डू. सुबह से मैं कोई 4-5 जगहों से होती हुई आ रही हूँ. ये इनके लिए नॉर्मल है. नॉर्मल है सीरियसली. ये एज अ फ्रेंड कैसी है? मुझे पिछले 10 साल में नादिया से ज़्यादा बात करने का टाइम नहीं मिला. हम इन इवेंट्स पे ही मिलते हैं, बट ये आपको पता होता है बगैर कुछ कहे कि स्पिरिट वही है जो बचपन में होती थी. यू नो तो शी इज़ द सेम पर्सन एंड वी मीट द सेम वे, चाहे हम कहीं पे भी मिलें, किसी के साथ भी मिलें, नादिया डजंट चेंज. बाकी बात सही है, मैं भी जितने अरसे से जानती हूँ नादिया डजंट चेंज. मैंने कभी इनको गुस्से में नहीं देखा. कंसिस्टेंट है. हाँ, मतलब इस तरह आप इतना अपने आप को मेंटेन नहीं रख सकते अपने मूड को. मूड स्विंग सबके साथ होते हैं. तो और जिस तरह का आपका काम है उसमें तो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं. कभी किसी क्लाइंट के साथ किसी ने गड़बड़ कर दी, कुछ हो गया, क्या हो गया, कैसे मेंटेन कर पाती हैं मुस्कुराहट अपनी? यार ऑनेस्टली आई थिंक यू नो स्ट्रेस लेना जो है ना वो बिल्कुल गलत चीज़ है. सो आई डोंट टेक टू मच स्ट्रेस. आई मीन दैट्स आई थिंक एंड दिस इज समथिंग आई हैव लर्नड ओवर टाइम कि मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती हूँ. और ये मैं कहती हूँ कि नहीं हो जाएगा, यू नो मतलब ठीक है, इट्स फाइन. इतना ज़्यादा एक वक्ती तौर के लिए तो जाहिर है एक चीज़ होती है. सामने क्या हाल है? दो वर्ड नादिया के लिए बोल के जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता. आप तुम कहा हो? मैं समा के मेहमान का शो कर रही हूँ. Oh, I'm so sorry, तुम लोग का प्रोग्राम. नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं. मेरा ख्याल है हमारी मोस्ट फेवरेट, मेरा ख्याल जो लोग न्यूज
से प्यार करते हैं, पेपर से प्यार करते हैं, वो खुर्शीद को ज़रूर जानता है। मैं चाहूँगी कि दो वर्ड्स आप नादिया के लिए ज़रूर बोलें। नादिया के लिए, नादिया से मैं इतनी इम्प्रेस्ड हूँ कि दिस यंग लेडी has four kids. She runs a house impeccably. I've been to her house, and she has a business of her own, and she models, and she is a socialite who socializes. तो मैं समझती हूँ कि ऐसी अगर हमारी ख़वातीन सब हो जाएँ, जो कि बहुत मुश्किल है कि इतनी सारी चीज़ें एक साथ, मल्टीटास्किंग, औरत मल्टीटास्किंग करता है, करती है, लेकिन इसने तो बिल्कुल एपिटमी में, ये तो बिल्कुल हाइट पे, और माशाल्लाह से सादिया आप अपने आप को भी तो देखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, विश यू द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। जनाब ये था हमारा आज का शो, नादिया हुसैन से हमने पूरा दिन गुजारा, नादिया के लास्ट वर्ड्स भी हमने ले लिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस एक्टिविटी को इन्जॉय करें, क्योंकि हमारा कैमरा तभी यही हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है। बाय बाय।